पर ये जो अपने साहब है बड़े कोटेश्वर महाराज, ये अपने ये बॉर्डर के इंचार्ज है। जस्ट इफ यू सी दिस साइड द हाफ किलोमीटर में भी मैक्सिमम 2 किलोमीटर ये फ्रॉम हियर इन द सी इज पाकिस्तान बॉर्डर। यहाँ पे भी रण है, जैसे मैंने कहा रण आपको छोड़ता नहीं है कच्छ में। दैट इज नारायण सरोवर लाइट हाउस। तो अभी हम वहीं पे जाके आएंगे, देख के आएंगे। आई डोंट नो कि वहां पे अंदर अलाउ करते हैं कि क्या है, पर इतनी दूर आए हैं तो आना जरूरी है। ये है लाइट हाउस, देखा एक रास्ता ये नीचे जाता है, तो हम इसको एक्सप्लोर करके आते हैं क्या है यहाँ पे। यहाँ पे बीच है नारायण सरोवर का, नारायण सरोवर बीच पे। बॉम्बे जैसा तो नहीं है रहेगा ये, जहाँ पे काफी सारे लहरें आती है, बट या शाम को यहाँ पे मौसम काफी अच्छा रहेगा। हम बस थोड़ी दूर जाएंगे, वो जो राउंड्स पड़े हैं पता नहीं क्या है वो, वहां तक, और फिर रिटर्न आएंगे। यहाँ पे भी मैंग्रोव है लेकिन नॉट लाइक इन मुंबई। मुंबई एज इन मैं रहता हूँ थाने में, थाने में इतने सारे मैंग्रोव्स है कि जंगल है, यहाँ पे ऐसे इक्का दुक्का है। आप देख सकते हो ये जो रेंग रहे हैं ना कीचड़ पे, ये ऐसे फिश हैं जो पानी में भी सांस लेते हैं और हवा में भी, मतलब पानी में भी रह सकते हैं जमीन पे भी। काफी टेस्टी होते हैं ये, पता नहीं आपने कभी खाए होंगे कि नहीं। हाँ बट मैं आई एम फिशरमैन बाय कास्ट, तो हमने जरूर खाए ये। भाई धूप बहुत तेज है, बहुत तेज है धूप, और जैसी अभी गाड़ी के निकले हैं पूरे एसी हो गए अंदर। हाँ बहुत मजा आ रहा है, लेकिन गाड़ी जैसी रोकते हो ना तो जान निकलती है। तो चलो आगे मिलते हैं। आप अभी इसे लेफ्ट साइड में देख सकते हैं, रहते हैं कोटेश्वर मंदिर। हम अभी आगे जाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा More details about it। तो हम लोग आ चुके हैं एट द टेम्पल लोकेशन। अभी देखते हैं यहाँ पे हम कहाँ पे गाड़ी लगा सकते हैं। अभी हम जा रहे हैं towards the टेम्पल, कोटेश्वर मंदिर जो है शिवजी का मंदिर है। तो यहाँ पे भी जैसे यूजुअली सब मंदिरों के बाहर होता है खाना पीना या फिर पूजा की सामग्री, ये सब यहाँ पे मिलते हैं। तो हमने एक सिंस हम लोग बाइक पे हैं, हमने ये थोड़ा सा प्रसाद लिया है ताकि घर लेके जा सके, क्योंकि तो ज़्यादा कुछ कैरी करना मुश्किल हो जाएगा। तो गाइस
हम लोग अभी मंदिर के मेन एंट्रेंस पे सीढ़ियों तक आ चुके हैं। सो गाइस, हमारे दर्शन हो चुके हैं महादेव जी के, और मैं अभी आपको ये मंदिर के आसपास का परिसर दिखाता हूँ। सो गाइस, आप देख सकते हो ये आसपास का एरिया है इस मंदिर का। काफी खूबसूरत है जो मंदिर का जो लोकेशन है, समंदर के किनारे। इट्स वेरी ब्यूटीफुल। मंदिर के बाहर हमको एक फैमिली मिली है। हाँ मैडम, नाम क्या आपका? सोनल खत्री। सर आपका? मुनील जोगी। तो आप कहाँ से हैं? हम मुंबई से हैं। दोनों मुंबई से? हाँ, दोनों मुंबई से। दोनों? हम भी मुंबई से हैं। तो पहली बार आ रहे हो इस मंदिर में? मैं 15-20 साल से आ रही हूँ इधर। ये मेरा फर्स्ट ईयर है। क्या वजह है कि आप हर साल आते हो? मैं इधर श्रावण महीने में रुद्री कराने के लिए आती हूँ, हस्बैंड के साथ आती हूँ, आती थी हस्बैंड। भगवान की आत्मा को शांति। तो कैसा लग रहा है आपको मंदिर में? बस शांति मिलती है। शांति मिल रही है, अच्छी बात है। हमको भी अच्छा लग रहा है। हम भी मुंबई से आ रहे हैं, पहली बार आ रहे हैं। तो बाइक पे आ रहे हैं दोनों? अरे, मैं और मेरा फ्रेंड बाइक पे ट्रैवल करते हैं। वेरी गुड। वी आर एक्सप्लोरिंग कच्छ। अभी 5 दिन हो गए और 3 दिन है, 3 दिन के बाद हम लोग वापस मुंबई चले जाएंगे। अरे दैट्स गुड। अच्छा लगा आपसे मुलाकात। हैव सेफ ट्रैवल्स। थैंक यू। थैंक यू। सो दोस्तों, ये भूपेंद्र ठाकुर मुंबई से, विलेपाला मुंबई, विलेपाला मुंबई, हरिओम करके ही पहचानते सब मेरे को। आप तो अभी यहाँ पे कैसे आए? यहाँ एक्चुअली हम लोग आए शादी में, पर ये जो अपने साहब है बड़े कोटेश्वर महाराज, ये अपने ये बॉर्डर के इंचार्ज है। जस्ट इफ यू सी दिस साइड, द हाफ किलोमीटर मे बी मैक्सिमम 2 किलोमीटर ये फ्रॉम हियर इन द सी इस पाकिस्तान बॉर्डर। या सो दैट इज वाई कोटेश्वर महादेव इज द गॉड, वॉट एवर यू से, एंड दिस इज द एंड ऑफ आवर इंडिया बॉर्डर। अपना इंडिया का छेड़ा बोलो ना, ये इंडिया का छेड़ा है। यहाँ से आगे पाकिस्तान है। हाफ, ओनली हाफ 1 किलोमीटर। हाँ। सो गाइस, हमें मिले, आपका नाम क्या सर? कमलेश। कमलेश? कमलेश ठाकुर। सो कमलेश ठाकुर जी मिले हैं, और ये हमारे सब्सक्राइबर हैं। मतलब मैं इतना खुश हूँ कि 1 महीने पहले मैंने चैनल चालू किया और मुझे पहली बार मेरा सब्सक्राइबर मिला, वो भी किधर? कच्छ में। तो सर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच फॉर सब्सक्राइबिंग, और ऐसी हमारे वीडियो देखते रहे। थैंक यू। यहाँ पर टाइम पास किया, टाइम पास नहीं बोल सकते, अच्छा वक्त बिताया, आधा पौना घंटा, कभी पता निकल गया पता ही नहीं चला। थैंक यू। मिलेंगे, जरूर मिलेंगे, पक्का। इस तरह आएंगे तो जरूर मिलेंगे। अब मुझे मालूम आप लोग यहीं पे मिलेंगे, मतलब अगर तुम कोई नया शहर नहीं ढूंढने जाते तो यहीं पे मिलोगे। ठीक है, चलो बाय। सुबह से अभी हम निकल चुके हैं नारायण सरोवर से, दर्शन अच्छे हुए, इतने लोगों से मुलाकात हुई कि मैं क्या बोलूं। सबसे बेस्ट बात है कि पहली बार मुझे मेरा सब्सक्राइबर मिला है, पहली बार। और ये चैनल शुरू हो के सिर्फ 1 ही महीना हो चुका है, और मैं बहुत खुश हूँ। और वो बंदा रहता है अहमदाबाद में, तो चलो अच्छी बात है, ऐसे ही बढ़ते रहें। आप सपोर्ट करेंगे तो मैं भी बढ़ूंगा, और मेरे साथ अपना चैनल भी बढ़ेगा, और मैं आपको और नई नई जगह दिखा सकूंगा। तो अभी हम जा रहे हैं भुज, क्योंकि भुज में हम रात को रहने वाले हैं, और फिर कल भुज से हम जाएंगे मांडवी बीच। तो चलो भाई, फिर मिलते हैं आगे। क्या नाम है आपका सर? दिलीप सिंह जडेजा। और आप कहाँ पे रहते हैं? नलिया। कहाँ, कितनी दूर है यहाँ से?
तो थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग, अच्छा लगा आपको मिलके। जस्ट टू इन्फॉर्म यू गाइस, अभी हम घूम रहे हैं, अभी हम लोग इतने सारे लोगों से मिल रहे हैं, बातें हो रही है, एंड देन वी जस्ट हैविंग अ गाला ऑफ अ टाइम। मतलब जो 15-20 मिनट जो भी हम इनसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, द टाइम दिस फ्लाइज बाय एंड देन इट सीम्स लाइक वी नो दिस पीपल फॉर सच अ लॉन्ग टाइम। आई डोंट नो, मतलब ये क्या इफेक्ट है, ये हमारा ट्रैवल इफेक्ट है, ये क्या है? Because I don't feel that we are so friendly people that we okay, हम लोग लोगों से मिले और इतनी अच्छी तरह से और इतनी गहरी बातें कर सकें। चलो अच्छी बात है। And I want to really thank each one of these people I have been meeting and you know talking things about। ये है वो पल जहाँ पे हम सब कुछ भूलते हैं and then just time passes by। तो गाइस हम जा रहे भुज, भुज यहाँ से 156 किलोमीटर्स, तो चलो मिलते हैं फिर रास्ते में। तो गाइस ये है अल्ट्राटेक की बैटरी, आदित्य बिरला सीमेंट अल्ट्राटेक। हमारी बैटरी खत्म नहीं है, पता ही नहीं चला, दो तीन वीडियोस हमारे चले गए उसके वजह से। चलो कोई नहीं, मतलब वो तो रास्ते के वीडियो थे, बट देन वी वर गोइंग थ्रू नारायण सरोवर सेंचुरी और द रोड वॉज रियली ब्यूटिफुल। तब से हम लोग अभी बाहर जैसे निकल रहे हैं कि पूरा ये चेंज हो रहा है। नो डाउट अभी भी ये कच्ची है, बट लेकिन रन की तरफ से हम अभी अंदर जैसे जा रहे हैं, ये प्लान से वगैरह पूरे चेंज हो गए हैं, क्योंकि काफ़ी थकान महसूस हो रही थी, नींद आ रही थी। सुबह मेरी कुछ 3:30 बजे नींद खुल गई, उसके बाद मैं सोया ही नहीं और पूरा दिन निकाला अभी। तो अभी हमने चाय पी है और अभी निकलते हैं भुज। भुज यहाँ से ज़्यादा नहीं है, अराउंड 60-65 किलोमीटर बाकी हैं, तो एक बार भुज में जाएंगे तो रिफ्रेश हो जाएंगे और तभी अच्छा लगेगा। क्योंकि आज जैसे मेरा उपवास है आज, तो मैं कुछ खाया नहीं है, तो भुज में जाके खाना ही खा लेंगे सीधा। तो गाइस हम लोग भुज पहुँचे हैं, तो जस्ट अभी ऊपर आ गए हैं सामान लेके होटल में। तो मैं आपको रूम टूर देता हूँ। सो दिस इज़ द रूम, टॉयलेट काफ़ी साफ सुथरा, नॉट अ बैड रूम। चलो ठीक है फिर मिलते हैं, अभी ज़रा फ्रेश होते हैं एंड देन हम लोग कुछ खाने का बंदोबस्त करेंगे। वैसे कुछ खाया नहीं है, फास्ट होने पर। चलो बाय।